जी, मेरा नाम मोहम्मद हसन मिर्ज़ा है। ये मेरी वालदा हैं। इनके असल में 3 से 4 साल से ये प्रॉब्लम था नी के हवाले से, उठना बैठना। पहले थोड़ा कम था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये चीज़ बढ़ना शुरू हुई। फिर रिसेंट उसमें जो है वो खड़े होने में भी प्रॉब्लम थी, चलना फिरना काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गया था। मेरे बहुत ज़्यादा तकलीफ थी घुटनों में, और इसकी वजह से मैं चल फिर नहीं पाती थी, नमाज नहीं पढ़ पाती थी, घर में काम करना, चलना फिरना मेरे लिए बहुत मुश्किल था और बहुत तकलीफ़ होती थी। रात में अगर मैं सो रही होती थी बगैर कुछ काम करे, जब भी मेरी तकलीफ़ होती थी और आँख खुल जाती थी। अच्छा, 2-3 डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया, उन्होंने मुख्तलिफ एक्सरे और डेक्सा स्कैन वगैरह जो चीज़ें होती हैं ये करवाने के बाद नी रिप्लेसमेंट सजेस्ट किया उन्होंने। और नी रिप्लेसमेंट जैसे कि एक काफ़ी लेंदी प्रोसीजर है, और दूसरी चीज़ ये कि कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें होती हैं, सक्सेस रेट भी एक फैक्टर है। तो थोड़ा सा मतलब एज की वजह से वाले गए, मैं थोड़ा सा परेशान था। फिर मैं इसके अल्टरनेटिव के तौर पे दूसरी चीज़ें सर्च कर रहा था कि मुझे इस पर क्या चीज़ और मतलब मिल सकती। तो गूगल करने के दौरान मुझे अल खलीज के बारे में पता चला, और फिर इनकी स्टेम सेल थेरेपी जो है। फिर हम लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने इनके जो रिमेनिंग टेस्ट थे, वेट और वो सब चीज़ें देखी। फिर बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में उन्होंने इनको प्रिपेयर किया, यानी कि अराउंड 10 to 12 डेज में। और फिर डॉक्टर सलमान ने इनका प्रोसीजर किया, स्टेम सेल जो थेरेपी है। शुरू में काफ़ी फेयर था, क्योंकि जैसे कि एक नई चीज़ होती है इंसान परेशान होता है। लेकिन डॉक्टर सनोबर ने भी काफ़ी इस पे हो गया कि नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस रहेगा। फिर फिजियोथेरेपी से बहुत अच्छा इनका जो है वो आ रहा था रिस्पांस, अल्लाह का नाम लेके ये स्टेप लिया। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली बहुत तेज़ी से जो है वो चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हुई। फिर फिजियोथेरेपी तो मुस्तकिल अभी भी चल रही है, लेकिन उसके अलावा जो नी का पेन है वो अराउंड 80-90% जो है वो इससे रिकवरी इनकी है। अब मुझे प्रोसीजर कराए हुए 2 महीने हो चुके हैं। इसमें मैं बहुत सारे जो काम है वो आसानी से कर लेती हूँ, चलना फिरना, नमाज पढ़ना, जो मुझे बहुत मुश्किल लगते थे पहले, अब मैं आसानी से वो काम कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ का अल खलीज का बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे डॉक्टर बहुत ताउन करने वाले हैं, अमला बहुत ज़्यादा अच्छा है, ख्याल करने वाला है। मैं जिससे पर्दा करती हूँ, तो मेरे लिए इस चीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे ये लग रहा था कि जैसे ये चीज़ मुमकिन नहीं है, मगर मुझे बहुत सहूलत मिली, इन लोगों ने बहुत ख्याल रखा मेरे पर्दे का। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा है जिसको नी प्रॉब्लम या इस तरह की कुछ मसाइल हैं, उठने बैठने चलने में मसला होता है, तो आप अल खलीज जाइए, डॉक्टर सलमान डॉक्टर सनोवर से कंसल्ट कीजिए। वो आपका केस देख के इंशाल्लाह आपको भी इसी तरह फ़ायदा होगा जैसे मेरी वालदा को हुआ, और आप भी इसी तरह आम ज़िंदगी गुजार सकेंगे।